इस नूरे आसमान में Coachman, and he represented the state in national hockey championship. Thank you so much, sir. And we. म्यूजिक से अच्छा रिलैक्सेशन और कुछ नहीं है, है ना? सो इट इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज अ मोड स्पेशलिटी हॉस्पिटल मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर की तरफ से कैरियोके कंपटीशन करवाया और मुझे खुशी है कि यहाँ पे बहुत बच्चे बहुत पार्टिसिपेंट्स आए। एक पार्टिसिपेंट हैंडीकैप्ड है, आप उसकी वीडियो भी ज़रूर देखोगे। मुझे खुशी है कि मैं उसके लिए एक ज़रिया बन सका कि वो आपके चैनल पर आया। आगे भी KD हॉस्पिटल ऐसे प्रोग्राम्स करवाते रहेगा क्योंकि गाना गाना और उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू पहले होता था कि हाँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम आज के टाइम में अपना शौक़ भी पूरा करना ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को गाना गाने का शौक़ है तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके कभी भी रजिस्टर करवा सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको हम ज़रूर मौका देंगे। सर, इस प्रोग्राम में शामिल होना हो किसी को तो उसके लिए क्या कुछ? हॉस्पिटल में आओ, अपना वहाँ पर बेसमेंट में हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप वहाँ पर आके अपने रजिस्ट्रेशन कराएँ। हमने लोहड़ी के बाद जनवरी 13 जनवरी के बाद हमने एक सेकेंड प्रोग्राम करवाना है, उसकी डेट भी हम आपके चैनल के थ्रू जल्दी रिलीज़ कर देंगे। 2 महीने में हम दोबारा एक और प्रोग्राम करवाएंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसमें ज़्यादा लोग ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे। सर, चाहेंगे कि लोगों को हॉस्पिटल की लोकेशन के बारे में भी जानकारी दी जाए? हॉस्पिटल की लोकेशन मार्बल मार्केट, डॉक्टर KD's मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मार्बल मार्केट, त्रिकुटा नगर। डॉक्टर साहब, KD मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे लोगों को छोटी छोटी बीमारियों को लेकर बैरूनी रियासतों का रुख करना पड़ता था, लेकिन वो इलाज जो है वो KD मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक नया अवेयरनेस जो शुरू किया गया, नई मुहिम आपकी तरफ से चलाई गई, क्या आने वाले वक्त में भी इस तरह की मुहिमें जो है वो देखने को मिलेंगी? ज़रूर ज़रूर। क्या लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपके? कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, अपने शौक तो पूरे करें लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में जानकारी? गुड आफ्टरनून जी, मैं डॉक्टर सुमित शर्मा, CEO डॉक्टर KD मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मार्बल मार्केट से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल ने आज एक सिंगिंग करोगे कॉम्पिटिशन रखा था यहाँ पे और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एक ऑडिशन हुआ था पिछले संडे को हॉस्पिटल में,
उसमें सेलेक्ट करके कुछ अब जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर कर रहे हैं। इसका पर्पज़ हमारा ये था कि आजकल के टाइम में जैसे लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम डॉक्टर्स भी जैसे बड़े हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं, उसी को ध्यान में रखें कि चलो एक अलग की चीज़ की जाए जिससे लोगों को अपने रिलैक्सेशन का एक मौका मिले। और म्यूज़िक से बड़ा रिलैक्सेशन कोई नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट कोई सिक होता है, वेंटिलेटर पेशेंट होते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको म्यूज़िक के माध्यम सॉफ्ट म्यूज़िक उनके साथ में रखते हैं, क्योंकि एक रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। बाकी मैं हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बात करूँगा मैं सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की कि जिसकी इस वक्त पूरे जम्मू को रिक्वायरमेंट है, और वो है एमरजेंसी डिपार्टमेंट। लोगों को समझ नहीं आता है रात के 2 बजे वो कहाँ जाएंगे। लोग फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे पेशेंट को दिक्कत होगी, हम कहाँ जाएँ। जितना टाइम वो फ़ोन करने में लगाते हैं उतने टाइम में कंडीशन और बिगड़ती है। तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी में एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट, ट्रॉमा एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट है जो 24/7 रन कर रहा है। वहाँ पर ट्रेंड एमरजेंसी कंसल्टेंट फिजिशियंस हर वक्त अवेलेबल है। यानी कि पेशेंट अगर आपको 2 बजे आता है, उसको वही फैसिलिटी मिलती है जो वो दिन को 2 बजे मिलती है। डॉक्टर साहब, क्या काफ़ी सारे लोगों में काबिलियत तो होती है लेकिन उन्हें काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज जिस तरह से केडी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तरफ से ये एक पहल की गई है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का बिल्कुल बिल्कुल आने वाले टाइम में इस तरह के इवेंट्स रहे? आने वाले टाइम में हमारा इवेंट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट मंथ हमने कठुआ में एक रफी नाइट रखी हुई है। अभी भी देखिए यहाँ पे कठुआ से पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं। एक डिसेबल लड़का आपने देखा जिसने गाना गाया है, वो कठुआ से स्पेशली यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने आया है। लोगों में टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, और ये वही माध्यम है हमारा कि इसको लोगों को बाहर निकाला जाए टैलेंट उनका।